The stillness of a lake reflects the beauty around it. And look at the beauty over here. We have a lake and the most perfect surrounding only in the lake, New Chandigarh. But before going further, let's first have the glimpse. गुरु आज मैं आप सभी को लेकर आई हूँ हमारे प्रोजेक्ट द लेक में, जो कि न्यू चंडीगढ़ में सिचुएटेड है। प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी की बात की जाए तो प्रोजेक्ट PR7 इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोड एंड मध्यमार्ग एक्सटेंशन से कनेक्टेड है। ये दोनों ही रोड न्यू चंडीगढ़ के मेजर रोड्स हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको नेबरिंग स्टेट्स का एक्सेस मिल रहा है। विद दैट मोहाली एंड जीरकपुर दोनों जगह यहाँ से इजिली एक्सेसिबल है। विद दैट न्यू चंडीगढ़ है यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 5 से 7 मिनट की ड्राइव पर। अब मैं प्रोजेक्ट के नियर बाई हॉटस्पॉट्स एंड लोकेशंस की बात करूँ तो यहाँ से PGI, PAU, हाईकोर्ट सबके सब सिर्फ 5 से 7 मिनट की ड्राइव पर रहेंगे। विद दैट अपकमिंग यहाँ का जो मॉल है वो प्रोजेक्ट के बिल्कुल एडजॉइंट रहेगा। साथ ही साथ एक 5-स्टार होटल भी प्रोजेक्ट के बिल्कुल एडजॉइंट है, जो कि अपनी कंस्ट्रक्शन के फाइनल स्टेज पर है। सो गाइज, अब मैंने आपको लोकेशन कनेक्टिविटी बता दी है, अब हम चलते हैं साथ में और प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर करते हैं। सो गाइज, ओमैक्स के बारे में तो हम सब जानते हैं, इट इज़ अ वेरी वेल नोन एंड रेपुटेटेड ब्रांड इन द वर्ल्ड ऑफ रियल स्टेट। एंड जो द लेक है वो ओमैक्स का ही प्रोजेक्ट है। पूरा ओमैक्स हमारे न्यू चंडीगढ़ में 1500 एकर्स में बना हुआ है, जिसमें कि 25 एकर्स में सिर्फ और सिर्फ द लेक है। द लेक में 10 टावर्स हैं एंड यहाँ पर 87% आपका ओपन एरिया रहेगा एंड सिर्फ और सिर्फ 13% आपका कंस्ट्रक्टेड एरिया रहेगा, जिसमें कि आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ओपन स्पेस मिल रहा है। यानी कि यहाँ पर आपका इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट रहेगा एंड आपको बिल्कुल भी कंजेस्टेड फील नहीं होगा। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट में डेवलपमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, सारी फैसिलिटीज एंड अमेनिटीज यहाँ पर ऑपरेशनल हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल है, इट इज अ ऑल वेदर स्विमिंग पूल। तो स्विमिंग पूल पूरा रेडी हो चुका है और आगे चलते हैं और भी चीजें एक्सप्लोर करते हैं। कम ऑन, पूल के बिल्कुल एडजॉइनिंग आपको सेटिंग एरियाज मिल रहे हैं। यहाँ पर एम्पल अमाउंट है सेटिंग एरियाज का। साथ ही साथ आप ग्रीनरी देखें, ग्रीनरी बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे मेंटेन की गई है। इनफैक्ट पूरे टाउनशिप में ग्रीनरी का बहुत अच्छा ध्यान दिया हुआ है। ट्रीज ऑलरेडी प्लांट कर दिए गए हैं, ग्रास ऑलरेडी प्लांट कर दी गई है। यानी यहाँ आपको बहुत ही इको फ्रेंडली एनवायरमेंट मिलेगा, साथ ही साथ आपका लाइफस्टाइल बहुत अमेजिंग होने वाला है। विद दैट आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर एक मिनी वाटर पार्क भी है। जी हाँ, बच्चों को ये बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। यहाँ पर इन्होंने वाटर स्लाइडर्स लगाए हुए हैं, एक मिनी वाटर पार्क बनाया हुआ है। योर किड्स विल डेफिनेटली लव दिस प्लेस। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ओपन जिम भी बनाया हुआ है। इनफैक्ट अभी फैमिलीज यहाँ पे मूव इन नहीं किए हैं, बट आप देख सकते हैं कि सारी फैसिलिटीज, सारी अमेनिटीज यहाँ पे ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं। विद दैट प्रोजेक्ट में आपको जॉगिंग ट्रैक मिल रहा है, साइकिलिंग ट्रैक मिल रहे हैं, किड्स प्ले एरिया मिल रहा है, सीनियर सिटीजन के लिए अलग से स्पेस रहेगा एंड डिफरेंट थीम्स के यहाँ पर गार्डन भी रहेंगे। विद दैट यहाँ पे 55,000 एरिया में आपको मिल रहा है एक क्लब हाउस, जिसमें कि आपकी वर्ल्ड क्लास अमेनिटीज रहेंगी। यहाँ पर सारे इंडोर गेम्स रहेंगे, आपके रेस्टोरेंट्स रहेंगे, बैंकेट रहेगा। यानी कि ये पूरा प्रोजेक्ट बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ पर सारी फैसिलिटीज एंड सारी अमेनिटीज वर्ल्ड क्लास हैं एंड ग्रीनरी तो आप खुद ही देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रीनरी यहाँ पे मेंटेन की गई है। यहाँ पर आपको बिल्कुल कंजेस्टेड फील नहीं होगा, काफी ज्यादा यहाँ पे ओपन स्पेस रखा हुआ है। एंड मैंने आपको प्रोजेक्ट के बारे में काफी ज्यादा बता दिया है, अब बारी है कि मैं आपको सीधा अपना सैंपल अपार्टमेंट लेकर चलूं। तो चलते हैं हम सैंपल अपार्टमेंट की तरफ। सो गाइज, नाउ आई एम इन द ड्राइव थ्रू एरिया, जहां पर कि आपके ड्राइवर आपको पिक एंड ड्रॉप करेंगे। ये रहेगी आपकी एंट्रेंस, यहां से होगी आपकी एंट्रेंस। तो चलते हैं, थोड़ा सा अंदर जाते हैं एंड मैं यहां आपको एक सैंपल अपार्टमेंट दिखाऊंगी जिसका साइज रहेगा 4850 स्क्वायर फीट। कम ऑन, लेट्स गो। सो गाइज, दिस इज योर लॉबी एरिया। इट इज अ डबल हाइटेड लॉबी एरिया, जहां पर कि आपका वेटिंग एरिया रहेगा एंड रिसेप्शन रहेगा। रिसेप्शन पे आपके 24/7 सिक्योरिटी प्रेजेंट रहेंगी। साथ ही साथ हर एक फ्लोर पर आपके 2 अपार्टमेंट रहेंगे, जिसमें कि आपको 2 लिफ्ट रहेंगे उनको एक्सेस करने के लिए एंड एक स्टेयरकेस रहेगी। सो चलते हैं अपने सैंपल अपार्टमेंट की तरफ।
सो दिस इज योर 4+1 सैम्पल अपार्टमेंट जिसका मैंने आपको साइज बताया था. इट इज 4850 स्क्वायर फीट. तो जैसे कि ये 4+1 BHK अपार्टमेंट है तो यहाँ से रहेगी आपके सर्वेंट की एंट्री. दिस इज योर सर्वेंट रूम. तो इसे मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, पहले चलते हैं हम अपार्टमेंट के अंदर. So guys, now I am inside your 4+1 BHK apartment and this is your foyer area. Look at this area. Such a huge foyer area यहाँ पर आपको मिल रहा है. यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग डेकोरेट कर सकते हैं. इनफैक्ट चाहें तो यहाँ पर शू रैक लगा सकते हैं. बहुत ज़्यादा स्पेस मिल रहा है आपको. एंड इसके साथ ही मेरे राइट साइड पर रहेगा आपका लिविंग एरिया. सो दिस इज योर लिविंग एरिया. लुक एट दिस साइज, सच अ स्पेशियस लिविंग एरिया यू आर गेटिंग ओवर हियर. आप बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है गाइज ये. साथ ही साथ आप ये टाइलिंग देखिए, बहुत ही आपको हाई क्वालिटी की टाइलिंग मिल रही है. एंड सेम एज इट इज़ आपकी टाइलिंग रहेगी. यहाँ पर इतना ज़्यादा स्पेस है कि अगर आप एक पार्टी भी ऑर्गेनाइज करना चाहोगे ना तो यहाँ पर आसानी से आपकी पार्टी ऑर्गेनाइज हो जाएगी. साथ ही साथ वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए कितनी बड़ी विंडो भी दी गई है आपको. यहाँ पर एक बड़ा सा डोर है. साथ ही साथ उस तरफ भी देखिए, वहाँ पर भी आपको एक विंडो प्रोवाइड की जा रही है. यानी कि यहाँ पर आपकी नेचुरल लाइट एंड नेचुरल एयर हमेशा रहेगी. विद दैट यहाँ रहेगी आपकी AC की डक्टिंग एंड फॉल सीलिंग. जैसे आप देख रहे हैं सेम एज इट इज आपको फॉल सीलिंग भी मिलेगी. विद दैट इस वॉल पर भी रहेगी आपकी AC की डक्टिंग एंड पीछे रहेगा आपके बालकनी का एक्सेस. सो लेट्स गो ओवर देयर. ओके, ब्यूटीफुल. सो दिस इज योर वेरी ह्यूज बालकनी. आप फिर से साइज देखिए, बहुत ही स्पेशियस बालकनी मिल रही है आपको यहाँ पर. आप चाहें तो यहाँ पर यू नो सिटिंग एरिया बना सकते हैं. इनफैक्ट वॉक करना चाहें तो शाम में यहाँ पर थोड़ा टहल सकते हैं. बाहर जाने का मन नहीं है तो यहीं पर टहल लीजिए. बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस आपको बालकनी मिल रही है यहाँ. गाइज, अगर आप चाहते हैं कि आपका लिविंग एरिया थोड़ा अलग रहे तो आप चाहें तो यहाँ पर एक ग्लास पार्टीशन लगवा सकते हैं ताकि आपका लिविंग एरिया कम्प्लीटली अलग रहे. विद दैट यहाँ पर आपका ये जो स्पेस दिख रहा है आपको, दिस विल बी योर डाइनिंग एरिया. एंड यहाँ पर आप ये लिविंग एरिया की तरह यूज़ कर सकते हैं. बट इसे आप चाहें तो फैमिली लाउंज की तरह यूज़ कर लें. यहाँ पर आपके फैमिली के लिए एक अच्छा सा सिटिंग स्पेस बना दें. अपनी फैमिली के साथ यहाँ टाइम स्पेंड करिए. साथ ही साथ वो लिविंग एरिया रहेगा आपका कम्प्लीटली गेस्ट के लिए. And this will be the dining area. मैं कहती हूँ यहाँ पर आपके 10 से 12 सीटर डाइनिंग टेबल आसानी से आ जाएगी. उसके बाद भी आपके पास एम्पल अमाउंट रहेगा मूवमेंट के लिए. विद दैट इस वॉल पर रहेगी आपकी AC की डक्टिंग. साथ ही साथ वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए आपको एक बहुत बड़ी विंडो भी दी जा रही है. ये रहेगा गेट आपकी बालकनी के एक्सेस के लिए. बालकनी में आपको दिखाऊंगी किचन से. तो आप चलते हैं हम अपनी किचन में. ओके, सो ब्यूटिफुल. सो दिस इज योर वेरी ह्यूज मॉड्यूलर किचन. काफ़ी अच्छा साइज में आपको यहाँ पे किचन मिल रही है. मैं तो कहती हूँ ये एक रूम के साइज से भी बड़ी किचन है. यहाँ देखिए, यहाँ रहेगा आपका रेफ्रिजरेटर का स्पेस. विद दैट इन्होंने यहाँ पर भी आपको स्टोरेज स्पेस दिया हुआ है. यानी कि यहाँ पर आपके सारा सामान आसानी से आ जाएगा. बहुत ज़्यादा आपके पास स्टोरेज का स्पेस है. साथ ही साथ आप ये कैबिनेट जैसे देख रहे हैं सेम एज इट इज़ आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, बोथ अपर एंड लोअर कैबिनेट्स. दिस इज योर स्पेस फॉर योर हॉब एंड चिमनी. विद दैट सारे के सारे जो आपके कैबिनेट्स हैं ये सभी के सभी आपके सॉफ्ट क्लोजर के साथ रहेंगे. एंड दिस वॉज योर ड्राई एरिया. इस तरफ रहेगा आपका वेट सेक्शन जहाँ की आपको ड्यूअल सिंक मिल रहा है विद अ सिंगल रोटेटिंग फर्सेट. सो यहाँ पर गाइज आपको बहुत बड़ी किचन मिल रही है. यहाँ पर आप 5-7 लोग आसानी से खड़े होकर डिनर बना सकते हैं, एक साथ खड़े हो सकते हैं. उसके बाद भी मूवमेंट का बहुत अच्छा स्पेस बचेगा, बिल्कुल कंजेस्टेड फील नहीं होगा आपको. एंड पीछे आप मेरे देख सकते हैं ये गेट, ये रहेगा आपके बालकनी का एक्सेस. से चलते हैं बालकनी में. सो गाइज, दिस इज योर वेरी ह्यूज बालकनी. काफ़ी अच्छा साइज में आपको ये बालकनी दिख रही है. एंड साथ ही साथ यहाँ से रहेगा आपके सर्वेंट रूम का एक्सेस. यानी कि यहाँ से आपके सर्वेंट सीधा आपकी किचन में जाके आपके लिए खाना बना सकते हैं. दिस इज योर किचन. फर्दर ये जो बालकनी है ये आपके डाइनिंग एरिया एंड बेडरूम नंबर 3 की भी कॉमन बालकनी है. तो आपको यहाँ बहुत ही अच्छे साइज में बालकनी मिल रही है. साथ ही साथ ये वॉल देखिए, काफ़ी गुड हाइटेड आपको ये वॉल मिल रही है. यानी कि सेफ्टी का भी बहुत अच्छा ध्यान रखा गया है. एंड टाइलिंग देखिए, टाइलिंग भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की आपको यहाँ पर टाइलिंग मिल रही है. एंड जितने भी ये जो ग्लासेस हैं सब के सब UPVC टफन ग्लासेस हैं जो कि साउंड प्रूफ एंड वाटर प्रूफ होते हैं. सो गाइज, देखा आपने कितना स्पेशियस अपार्टमेंट है ये. मैंने आपको किचन दिखा दिया है, ड्राइंग एरिया दिखा दिया है, फैमिली लाउंज दिखा दिया, डाइनिंग एरिया दिखा दिया है. अब बारी है कि मैं आपको रूम्स दिखाऊं. तो आपका ये जो फैमिली लाउंज है इसके दोनों तरफ आपके पास ड्यूअल पैसेज
यहाँ पर आपके दो रूम्स रहेंगे, यहाँ पर आपके दो रूम्स रहेंगे, तो चलते हैं आप रूम्स की तरफ। सो गाइस, यहाँ पर आपके दो रूम्स हैं, लेकिन रूम्स में जाऊँ उससे पहले मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि यहाँ पर मिल रही है आपको कॉमन वॉशरूम, जिसे कि आपके गेस्ट यूज कर सकते हैं। ये आपके ड्रॉइंग डाइनिंग एरिया से एक्सेस कर सकते हैं आप इसे। सो दिस इज द कॉमन वॉशरूम। एंड नाउ वी हैव आवर फर्स्ट बेडरूम, सो लेट्स गो इनसाइड। So this is your bedroom number one. काफी अच्छे साइज में आपको ये बेडरूम मिल रहा है, वेरी क्लीन साइज, बहुत ही स्पेशियस बेडरूम है। आप यहाँ पर किंग साइज बेड लगा सकते हैं, उसके बाद भी यू विल हैव एम्पल स्पेस फॉर मूवमेंट। एंड इस वॉल पर रहेगी आपकी एसी की डक्टिंग, साथ ही साथ आपको एक विंडो भी प्रोवाइड की जा रही है फॉर द पर्पज ऑफ वेंटिलेशन एंड नेचुरल एयर। विद दैट वी हैव अ अटैच्ड वॉशरूम इन दिस रूम, सो लेट्स गो इनसाइड। सो गाइस, दिस इज योर अटैच्ड वॉशरूम। आप यहाँ की टाइलिंग देखिए, काफी अच्छी यूनिक टाइलिंग यहाँ पे यूज की गई है, एंड सेम एज इट इज आपको प्रोवाइड की जाएगी, बोथ वॉल टाइलिंग एंड फ्लोर टाइलिंग। एंड पूरे वॉशरूम में प्रीमियम फिटिंग्स यूज की गई हैं, साथ ही साथ यहाँ पे वेंटिलेशन पर्पस के लिए एक विंडो भी प्रोवाइड की गई है। विद दैट यहाँ पे आपको वैनिटी एंड मिरर ये भी इंक्लूडेड रहेगा। सो गाइस, दिस वॉज योर फर्स्ट बेडरूम जो कि आपने अभी देखा, एंड फर्स्ट बेडरूम की बिल्कुल ऑपोजिट आपको मिल रहा है एक स्टोर रूम। सो दिस इज योर स्टोर रूम, काफी अच्छे साइज में आपको यहाँ पे स्टोर रूम मिल रहा है, जिसमें कि आप अपने घर का एक्स्ट्रा सामान स्टोर कर सकते हैं। एंड फर्दर, दिस इज योर सेकेंड बेडरूम, सो अब चलते हैं सेकेंड बेडरूम में। नाइस, सो गाइस, दिस इज योर सेकेंड बेडरूम, जो कि अगेन आपको बहुत अच्छे साइज में मिल रहा है। यहाँ पर भी आप अपना अच्छा सा बड़ा सा बेड लगा सकते हैं, उसके बाद भी अगर आप चाहें तो यहाँ पर स्टडी टेबल लगा सकते हैं, काउच लगा सकते हैं, क्योंकि मूवमेंट का बहुत ज़्यादा स्पेस आपको बचेगा उसके बाद भी। तो बहुत अच्छा आपको साइज में ये रूम मिल रहा है, साथ ही साथ इस वॉल पर रहेगा आपका एलईडी पैनल का स्पेस। विद दैट यहाँ रहेगी आपकी एसी की डक्टिंग, एंड अगेन आपके वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए एक बड़ा सा डोर भी है यहाँ पर, जो कि आपका फर्दर बालकनी में कनेक्ट होगा। बट मैं वहाँ लेकर जाऊँ आपको, उससे पहले मैं आपको अटैच वॉशरूम दिखाती हूँ। So, did you see it? कितने ज़्यादा अच्छे साइज में आपको यहाँ पे वॉशरूम मिल रही है, बहुत ही ह्यूज वॉशरूम है ये, बहुत स्पेशियस वॉशरूम मिल रही है आपको। विद दैट टाइलिंग देखिए, बहुत ही अमेजिंग टाइलिंग है यहाँ पर, और सेम एज इट इज आपको प्रोवाइड की जाएगी। विद दैट ये वैनिटी एंड ये मिरर ये भी इंक्लूडेड रहेगा, एंड वेंटिलेशन पर्पज के लिए यहाँ पर आपको एक नहीं बल्कि दो दो विंडो मिल रही है। तो बहुत ही अमेजिंग वॉशरूम है ये, साथ ही साथ पूरे वॉशरूम में आपकी प्रीमियम फिटिंग्स रहेंगी। सो गाइस, दिस वॉज दी फर्स्ट पैसेज जहाँ पर आपके दो बेडरूम्स थे। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ हमारे नेक्स्ट पैसेज में, जहाँ पर हमारे रिमेनिंग बेडरूम्स हैं। बट मैं आपको बेडरूम नंबर 3 में ले जाऊँ, उसके ऑपोजिट आप ये स्पेस देखिए। आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा स्पेस मिल रहा है, जो कि आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा पूजा रूम बना सकते हैं। अगर पूजा रूम नहीं बनाना है तो यहाँ पर इनफैक्ट आप एक छोटी सी मिनी लाइब्रेरी भी बना सकते हैं, या फिर एक स्टडी रूम बना सकते हैं। सो इट्स अप टू यू, आपको इसे कैसे यूज़ करना है, लेकिन बहुत ही अच्छा स्पेस मिला हुआ है आपको यहाँ पर। एंड इसके ऑपोजिट ये रहेगा हमारा बेडरूम नंबर 3, सो लेट्स गो इनसाइड। So this is your bedroom number 3. Again, मैं फिर से कहूँगी कि बहुत ही अच्छे साइज में आपको ये बेडरूम मिल रहा है। आपका सारा सामान, आपके सारा फर्नीचर यहाँ पर आसानी से स्टोर हो जाएगा, उसके बाद भी आपके पास बहुत अच्छा मूवमेंट का स्पेस मिलेगा। एंड यहाँ पर रहेगी आपकी एसी की डक्टिंग, विद दैट यहीं पर रहेगा आपका एलईडी पैनल का स्पेस। एंड वेंटिलेशन पर्पस के लिए आपको अगेन बहुत ही ह्यूज यहाँ पर एक विंडो भी मिल रही है, जिससे आपके रूम में नेचुरल एयर एंड नेचुरल लाइट आएगी। एंड यहाँ रहेगा बालकनी का एक्सेस, तो बालकनी में आपको पहले ही दिखा चुकी हूँ, ये बालकनी आपके डाइनिंग एरिया, किचन एंड आपके सर्वेंट रूम की कॉमन बालकनी रहेगी। विद दैट आपको इस रूम में एक अटैच्ड वॉशरूम मिल रहा है, एंड वॉशरूम के साथ साथ आपको यहाँ पर सेपरेट ड्रेसिंग एरिया मिल रहा है। तो यहाँ पर आप अपनी एक बड़ी सी कवर्ड लगाइए, एंड ये रहेगा आपका ड्रेसिंग एरिया, जिसके बिल्कुल साथ है हमारी अटैच वॉशरूम। सो दिस इज योर अटैच वॉशरूम, जैसे आप इसे देख रहे हैं सेम एज इट इज आपको प्रोवाइड की जाएगी, सेम टाइलिंग रहेगी, पूरे वॉशरूम में आपकी प्रीमियम फिटिंग्स रहेंगी, एंड ये मिरर, ये वैनिटी ये भी रहेगा, एंड वेंटिलेशन पर्पस के लिए अगेन आपको दो दो विंडो भी मिल रही हैं। सो बहुत ही अमेजिंग ये वॉशरूम है। विद दैट नाउ
यहाँ पर हमारा रहेगा बेडरूम नंबर 4, तो लेट्स गो इनसाइड। वाओ, टाइलिंग देखिए आप, यहाँ पर आपको वुडन टाइलिंग मिल रही है। सो दिस इज योर बेडरूम नंबर 4, दिस इज योर मास्टर बेडरूम। बहुत ही क्लीन साइज में आपको ये बेडरूम मिल रहा है। यहाँ पर आप किंग साइज बेड लगाइए, सोफा लगाइए, स्टडी टेबल लगाइए, उसके बाद भी आपके पास मूवमेंट का बहुत ज़्यादा स्पेस बचेगा। तो बहुत ही स्पेशियस बेडरूम है ये। साथ ही साथ यहाँ रहेगा आपका LED पैनल का स्पेस एंड यहाँ रहेगी आपकी AC की डक्टिंग। सो गाइज, दिस वॉज दी बेडरूम नंबर 4, जिसमें आपके अटैच्ड वॉशरूम भी मिल रहा है। तो आपको सबसे पहले मैं लेकर चलती हूँ वॉशरूम में। सो दिस इज योर अटैच्ड वॉशरूम। मैं कहूँगी ये आपको ऑलमोस्ट एक रूम साइज का वॉशरूम मिल रहा है। बहुत ही बड़ा वॉशरूम है ये, एंड सेम जैसे कि आप देख रहे हैं, सेम एज इट इज आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सेम टाइलिंग रहेगी फ्लोर एंड वॉल दोनों की। विद दैट यू हैव अ वैनिटी ओवर हियर एंड बिग मिरर। साथ ही साथ वेंटिलेशन पर्पज के लिए आपके पास दो दो विंडो रहेंगी। एंड अगेन वेंटिलेशन पर्पज के लिए आपके पास यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा डोर है, उसके साथ आपकी रहेगी बालकनी। तो अब हम चलते हैं बालकनी में। सो गाइस, दिस इज योर कर्व्ड बालकनी, जो कि आपके रूम नंबर 2 एंड रूम नंबर 4 को कनेक्ट करेगी। यानी ये उनकी कॉमन बालकनी है। सो काफी अच्छे साइज में आपको ये बालकनी मिल रही है। एंड उससे भी बढ़िया बात ये है कि आपको बालकनी से एक सामने ही रहेगा आपका पार्क का व्यू। सो दिस विल बी द पार्क, दिस विल बी द बालकनी। यहाँ से आपको बहुत ही अमेजिंग व्यू मिल रहा है। साथ ही साथ आपको बहुत ही अच्छी वॉल लेंथ मिल रही है यहाँ पर, तो सेफ्टी का भी बहुत अच्छा ध्यान रखा गया है। एंड टाइलिंग जैसे कि आप देख रहे हैं, सेम एज इट इज टाइलिंग रहेगी। एंड मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर जितने भी ग्लासेस हैं, सबके सब UPVC टफन ग्लासेस हैं, जो कि आपके साउंड प्रूफ एंड वाटर प्रूफ रहेंगे। So guys, this was all about our ultra luxurious project, The Lake, located in New Chandigarh. आपको ये project कैसा लगा हमें comments करके ज़रूर बताएं। मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ये project बहुत ज़्यादा पसंद आया। आप यहाँ की amenities देखिए, आप यहाँ की facilities देखिए, आप ये पूरी township देखिए कितनी ज़्यादा amazing है। With that, यहाँ की connectivity एंड लोकेशन उससे भी ज्यादा ब्रिलियंट है। सो दिस प्रोजेक्ट इज वर्थ एवरी पेनी ऑफ योर मनी। अगर आप इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं एंड आप इसे खरीदना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें कॉल कीजिए, हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी। विद दैट, मैं आपको मिलती हूँ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।